जय सोमनाथ जय भोलेनाथ। 25 जुलाई से सावन शुरू हो रहे हैं, तो सावन का पहला वीडियो मैं सोमनाथ मंदिर से बना रही हूँ, जो 12 ज्योतिर्लिंग में पहला ज्योतिर्लिंग है। आपके परिवार के ऊपर सोमनाथ की और भोले बाबा की कृपा बनी रहे। सोमनाथ, सोम मतलब चंद्र। सोमनाथ की स्थापना चंद्रदेव ने करी। एक बहुत छोटी सी कहानी है कि चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से विवाह करा था और वो केवल रोहिणी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, तो सारी रानियों को अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने दक्ष प्रजापति से शिकायत करी कि पिताजी ये तो हमसे प्रेम ही नहीं करते हैं। तो दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि आपका क्षय होना शुरू हो जाए, आप घटने शुरू हो जाए। जब ये बात रानियों ने सुनी और चंद्रदेव ने सुनी तो वो घबरा गए। उन्होंने उनसे प्रार्थना करी कि आप कुछ ऐसा करिए कि हमें श्राप से मुक्ति मिल जाए। तो उन्होंने दक्ष प्रजापति ने उनसे कहा कि मैं श्राप से आपको मुक्ति नहीं दिला सकता, तो केवल भोले बाबा ही आपको मुक्ति दिला सकते हैं। तो चंद्रदेव ने सोमनाथ में 125 महामृत्युंजय का जाप करा था, तो भोले बाबा ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उनसे कहा कि पूरे श्राप से तो मैं आपको मुक्ति नहीं करा सकता, लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ कि 15 दिन तक आपका यौवन चढ़ेगा और 15 दिन बाद आपका यौवन धीरे धीरे उतरेगा। दूसरा, चंद्र जो है सोमनाथ में सबसे उच्च राशि के होते हैं, यहाँ सबसे ज्यादा पावर होती है, क्योंकि देखिए भोलेनाथ ने भी उन्हें अपने सिर पर विराजित कर रखा है। अगर आपकी पत्नी में चंद्र कमजोर है तो आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज का, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी पैसे की समस्या है, पैसा कहीं फंसा ही रहा है, कोई लोन की समस्या है, तो आप सोमनाथ मंदिर में आइए, यहाँ सोमनाथ भगवान के दर्शन करिए और यहाँ से एक अंगूठे के बराबर के पारस चंदन घर ले जाइए और किसी शुभ मुहूर्त में स्थापित करके उनकी धूप से, सफेद फूल से, चंदन से और इत्र से, चंदन के इत्र से, धूप से, दीपक से उनकी पूजा करिए और 21 बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर उन पर चढ़ाइए। और चढ़ाने के बाद एक माला महामृत्युंजय का जाप करेंगे तो सोमनाथ की कृपा से आपकी सारी पैसे की समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको डिप्रेशन की समस्या है, आपकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, परिवार में कोई समस्या है, तो आप यहाँ दर्शन करिए सोमनाथ में और यहाँ का जल अपने घर में स्थापित करके आप उस जल को अपने घर में छिड़किए और थोड़ा सा जल खुद पीजिए और परिवार वालों को पिलाएंगे, तो सोमनाथ की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। जय सोमनाथ जय भोलेनाथ।